आप देख रहे हैं 100 टीवी लाइव। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में भू माफियाओं के हो रहे हौसले बुलंद व माफिया कर रहे अपनी मनमानी। महावीर चौहान अब तक काट चुके हैं 5 से 6 हजार बीघा में अवैध कॉलोनियां। नहीं है प्रशासन का कोई भी डर, HPDA वाले हुए मेहरबान। योगी सरकार के नियमों की उड़ाई जा रही है खुलेआम धज्जियां। योगी सरकार का कहना है कि जिस अवैध कॉलोनी पर बाबा का बुलडोजर चल चुका है उस पर निर्माण नहीं होना चाहिए, लेकिन वो माफिया महावीर चौहान गढ़मुक्तेश्वर खुलेआम बाबा का बुलडोजर चलने के बाद भी दोबारा कर रहे हैं निर्माण कार्य। ऐसे लोगों को प्रशासन का नहीं है कोई भी डर। किसी की मिली भगत से कट रही है ये अवैध कॉलोनियां और किसकी मिली भगत से बाबा का बुलडोजर चलने के बाद भी दोबारा शुरू हो रहा है निर्माण कार्य। ऐसे लोगों पर क्यों नहीं कसा जा रहा शिकंजा। योगी सरकार का कहना है कि भू माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन यहां देखा जा रहा है कि जिला हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में इन भू माफियाओं के कितने हौसले बुलंद हैं। ओमकार कश्यप की खास रिपोर्ट। मेरा नाम जी मुझे मिला। कहाँ के रहने वाले? दोताई का जी। जिला हापुड़। क्या समस्या है? समस्या ये है, महावीर चौहान फर्जी कॉलोनी काट रहा जी, यहाँ गढ़ना बहुत ज्यादा है। कई बार शिकायत कर दी, कोई अधिकारी संज्ञान लेने के लिए तैयारी ना हो रहा जी, और बहुत बड़ा भू माफिया है। इसकी कॉलोनियों की जाँच होनी चाहिए। 5-6 हजार बीघे जंगल भी काट चुका है अब तक बागों में और खेतों में, और योगी जी के सख्त आदेश हैं इन भू माफियाओं को मिट्टी में मिलाने के, लेकिन इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं और अर्जी फर्जी मुकदमों की धमकी देते हैं कि मैं ये मुकदमा लगवा दूंगा, वो मुकदमा लगवा दूंगा। मेरा ये कहना है जी कि इसकी सारी ही कॉलोनियों की जांच होनी चाहिए, जितनी कॉलोनी इसने काटी है। आपने जो शिकायत करी है, कब से शिकायत करी है? मैं जी 2019 से शिकायत कर रहा हूँ, कोई संज्ञान ही नहीं ले रहा अधिकारी। अभी इनकी जो अवैध प्लॉटिंग का बुलडोजर चला था जी, बुलडोजर चला था लेकिन उन्होंने फिर चिनाई करवा दी जी। योगी जी के सत्तादेश है जहाँ पर बुलडोजर चल जाएगा HPDA का, वहाँ पर चिनाई ना होने की इन्होंने फिर वहीं प्लॉट खड़े कर दिए जी, वहीं नहीं भर दी जी। कलाड़ी कौन कौन सी है जिनकी? वाटिका, राम वाटिका है जी यहीं पर, और ली ग्रांड के बराबर में है जी एक कॉलोनी, एक नेशनल हाईवे पर है जी वहीं बराबर में ली ग्रांड के सामने। ये 4-5 कॉलोनी काट रहा है जी, ये इन पर संज्ञान होना चाहिए अधिकारियों को। तो आप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन भू माफियाओं का इंतजाम होना चाहिए, ये बहुत बड़े भू माफिया हैं और धमकी देते हैं उल्टी सीधे मुकदमे लगवाने की। योगी जी के पास मैं जनता दरबार में जाऊँगा कल या परसों। ये थाना डिबई क्षेत्र के कस्बा डिबई में कुछ नयुकों के द्वारा ये अपने हाथ में बैंडेज बांध कर लाल रंग का, जिसमें ऐसा प्रदर्शित हो कि वो ब्लड है, और हाथ में और बॉडी में बांध कर हाथ में डंडा लेकर कस्बे में ये लोग घूम घूम कर रील बना रहे थे, जिससे जनता में थोड़ा सा घबराहट का माहौल पैदा हुआ था। इस पर पुलिस द्वारा मौके पर सूचना मिलने पर पहुंचकर इन लोगों को हिरासत में ले लिया गया और इसमें नियमानुसार विधिक कार्रवाई की गई है।